टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की कल 4 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, चौंका देने वाला। आपको संक्षेप में साइरस मिस्त्री के जीवन के बारे में बताता हूँ। मिस्त्री को 2012 में टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। साइरस मिस्त्री के पिता पलोनजी मिस्त्री शाहपुरजी पलोनजी समूह के मालिक है और टाटा समूह में सबसे बड़े शेयर होल्डर है। पलोनजी मिस्त्री बहुत लोकप्रिय है और उनके बेटे साइरस मिस्त्री है। वह 2012 में टाटा संस के छठे चेयरमैन बने। पहले 4 चेयरमैन टाटा परिवार से थे। वह टाटा परिवार के बाहर समूह का नेतृत्व करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। चौंकाने वाली बात यह है कि मिस्त्री को 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। बाद में उन्हें 2017 में टाटा संस के बोर्ड में निदेशक के पद से भी हटा दिया गया। आपको बताता हूं कि मिस्त्री को क्यों हटाया गया। साइरस मिस्त्री ने टाटा संस के कारोबार के तौर तरीकों में कई बदलाव किए थे। अजीब, उन्होंने कंपनी के पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जिससे कंपनी को अधिक लाभ हुआ, हालांकि शेयरधारकों को मिलने वाले रिटर्न में कमी आई। पहले टाटा संस मुनाफा कमाता था और शेयरधारकों को भी उतना ही फायदा होता था। यह नई प्रथा में नहीं होता था। अजीब बात है कि मिस्त्री ब्रिटेन में टाटा के कुछ बंदरगाहों को बेचना चाहते थे। टाटा की फोन सेवा टाटा डोकोमो भी मिस्त्री के कार्यकाल के दौरान बंद हो गई। मिस्त्री ने टाटा फर्म से जुड़ी अहम जानकारियां आयकर विभाग को भेज दी। उन्होंने प्रेस में टाटा समूह के बोर्ड सदस्यों के खिलाफ भी बात की। इन्हीं सब कारणों से मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कल 4 सितंबर 2022 को मिस्त्री गुजरात के उडवाड़ा से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। कार में 4 लोग सवार थे। मुंबई की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनायता पंडोले कार चला रही थी। उनके बगल में आगे की सीट पर उनके पति डेरियस पंडोले बैठे थे, साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले जो डेरियस के भाई है पीछे बैठे थे। ये चारों मर्सिडीज कार से उडवाड़ा से मुंबई आ रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर के चरौटी इलाके में एक अन्य कार को ओवरटेक करने की कोशिश में कार नदी के पुल पर बने रोड डिवाइडर से जा टकराई। हादसा दोपहर 3:15 बजे हुआ जब कार मुंबई से करीब 135 किलोमीटर दूर थी। आगे बैठे डॉक्टर अनायता और उनके पति बच गए, जबकि पीछे बैठे यात्री मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मौत हो गई। दुखद, डॉक्टर अनायता और उनके पति को वापी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें आज 5 सितंबर 2022 को मुंबई के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2 यात्रियों की जान चली गई। डेरियस पंडोले टाटा समूह में शामिल थे और उन्होंने मिस्त्री को हटाने का विरोध किया था।
उन्होंने टाटा समूह को भी मिस्त्री के साथ छोड़ दिया क्योंकि वे करीबी दोस्त थे। मौतों की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों ने मिस्त्री के निधन पर शोक जताया। कई अन्य उद्योगपतियों ने भी मिस्त्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। चौवन वर्षीय साइरस मिस्त्री के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। देखा गया है कि आगे बैठे डॉक्टर अनायता और उनके पति डेरियस ने सीट बेल्ट बांध रखी थी। जबकि पीछे बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। हादसे में आगे की सीट पर बैठे लोगों की जान बच गई और पीछे वालों की मौत हो गई। हर कोई सोचता है कि आगे वालों को ज्यादा नुकसान होगा और जो पीछे बैठा वो सुरक्षित होगा। यह वास्तव में इसका विपरीत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मर्सिडीज में एयरबैग यात्रियों की सुरक्षा करेंगे। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। दुर्घटना की स्थिति में सीट बेल्ट लॉक होने पर एयरबैग खुलेंगे और यात्रियों की सुरक्षा करेंगे। अगर पिछली सीट के यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो एयरबैग किसी काम के नहीं होंगे। साथ ही पीछे बैठे यात्री के उनके ऊपर से गिरने से आगे के यात्रियों को गंभीर रूप से घायल होने की भी संभावना है। यदि पीछे के यात्री सीट बेल्ट पहने हुए हैं तो वे भी एयरबैग से सुरक्षित रहेंगे। सीट बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने आगे बैठने और पीछे बैठे दोनों तरफ के लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन लोग नियम की अनदेखी करते हैं। सीट बेल्ट आगे और पीछे की सीट के यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।